हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.1 जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, जो मैंने पूरी पढ़ा दी है, अच्छे से पढ़ाई है, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 2.2 के क्वेश्चन करेंगे, और 2.2 में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले से लगेंगे, और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से मस्त आराम से आज हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे यार टेंशन में होंगे कि भैया हमें 11th की ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं याद है, हम क्या करें। तो देखो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये इस तरह मैंने एक बना दिया कॉलम, यहाँ पर क्या करेंगे हम 11th के जो भी फॉर्मूलेज होंगे वो मैं सारे यहाँ लिख दूंगा। बस आपका काम है यार जितने भी फॉर्मूले मैं लिखूँ ना, छोटे मोटे लिखूंगा, टेंशन मत लेना, मतलब टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बने रहना, पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करना, एक बार में ऐसी एक्सरसाइज हो जाएगी कि कन्फर्म दोबारा कभी नहीं भूलोगे। जो भी मैं फॉर्मूले लिखूँ वो सारे फॉर्मूले नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, और फॉर्मूले में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो 11th जितना भी होगा सब कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। और वो फॉर्मूले देखो और अच्छे से भी समझ में आ जाएंगे अगर आप लाल वाला बटन दबा दोगे, सब्सक्राइब वाला, और वो घंटी भी दबा दोगे, ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहला है जो 3 sin inverse x हमें प्रूफ करना है, प्रूविंग है। देख 3 sin inverse x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस क्या है 4x क्यूब, क्या है 4x क्यूब। और देखे यार मैं 2.2 कर रहे हो तो 2.1 कर लेना, ठीक है, पहले, मतलब इससे पहले ही कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका भी यूज़ हो जाएगा। और x की वैल्यू दे रखी है कि बिलोंग कर रही है -1/2 से +1/2 में, ओके, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हमें ये प्रूविंग करनी है कि ये चीज़ इसके बराबर है। तो देखिए इसके लिए 11th का एक बहुत छोटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। पहला लिख लेते हैं यहाँ पर कि भैया साइन थ्री थीटा का एक फॉर्मूला होता है 11th में, क्या होता है, 3 sin theta -4 sin cube theta, ओके। तो ये आपको याद करना है कि साइन 3 theta का फॉर्मूला होता है 3 sin theta -4 sin cube theta। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये याद नहीं होगा, तो देखो प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या यार, इन्वर्स में जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो इंटीग्रेशन जो आपका अकेला एक चैप्टर है, चैप्टर 7 20 marks का, उसमें ये सारे फॉर्मूले बहुत यूज़ होंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो क्या है, sin 3 theta = 3 sin theta - 4 sin cube theta। तो बच्चों हम करेंगे क्या, सॉल्व करते हैं इसे, हम यहाँ पर इस वाले को प्रूफ करके ये वाला ले आएंगे, मतलब ये LHS है, तो LHS बराबर RHS ही तो प्रूफ करनी है, तो हम RHS को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे sin inverse 3x - 4x क्यूब, ओके। और यहाँ आप लिखोगे पुट x = sin of theta, x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, साइन थीटा, जिससे ये क्या बन जाएगा, देखिए sin inverse 3 sin theta और -4 sin cube theta, समझ गए होगे, x की जगह साइन थीटा पुट करा तो 3 sin theta - 4 sin cube theta। फिर यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स, और जल्दी से बताइए कि यहाँ पर 3 sin theta - 4 sin cube theta, ये आपको पता है किसके बराबर है, ये बराबर है sin 3 theta के। तो बस इस पूरे की जगह आप क्या यूज़ कर देंगे, sin of 3 theta, हाँ या ना, इतनी चीज़ समझ गए होगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अभी 2.1 में हमने एक चीज़ सीखी थी कि साइन इनवर्स अगर साइन एक्स हो, क्या हो, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाता है, एक्स के बराबर। ये चीज़ इस वाली से हट जाती है, सिर्फ एक्स रह जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये चीज़ इससे हट जाएगी, काटेंगे नहीं, ठीक है, काटेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे लिख देंगे। तो ये चीज़ हटके सिर्फ इसका आंसर क्या रह जाता है, 3 of theta, क्या रह जाता है, 3 theta। अब 3 theta है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है इस चीज़ को, 3 sin inverse x के बराबर। तो हर क्वेश्चन में आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या था, x = क्या था, sin of theta। तो यहाँ से बच्चों देखिए दोनों तरफ, या फिर ऐसा समझ लो सिंपल, इस साइन को आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये बन जाता है इनवर्स में sin inverse x = theta, समझे या नहीं, हमेशा ऐसा होता है। अगर x बराबर cos थीटा होता तो थीटा बराबर क्या हो जाता, cos इनवर्स x, समझ गए ना। तो x बराबर क्या, sin थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ गया, sin इनवर्स ऑफ x, समझ गए, कितना इजी है। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 3 sin inverse x। तो बस यहाँ पर आपको अच्छा सा लिखना है कि भैया हैंस प्रूव्ड, हो गया ना, समझ में आ गया। तो बस यहाँ पर ट्रिक क्या थी कि x की जगह आपको क्या पुट करना है, sin थीटा, और उसके बाद यूज़ कर देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से देख लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए
सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, वो है कॉस 3 थीटा का, और वो बहुत ईजी है, 4 cos³θ। देखो उल्टा हो जाता है, जैसे क्या था 3 sin θ - 4 sin³θ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos³θ - 3 cos θ। तो ये सेकेंड फॉर्मूला अब आ गया आपके पास, इसे नोट करिए, इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, और हाँ बच्चों एक छोटा सा काम कर दिया करना, कि थोड़ी बहुत वीडियो शेयर कर दिया करो, उससे क्या होता है और बाकी बच्चों का भी फायदा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 cos inverse x लिख लेते हैं, 3 cos inverse x बराबर cos inverse 4x³ - 3x, और x की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है -1/2 से 1/2। अब सोच रहे होगे कि भैया इसका क्या काम है, तो इसका देखो अभी कोई काम नहीं है, तो बेवजह हम इसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम आगे जाके सीखेंगे बहुत अच्छे से, तो अभी इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, अभी यहाँ पर याद रखना चीज़ है। तो देखिए यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, अगर हम x की जगह यहीं पर, अगर हम इसको x की जगह फिर से LHS से प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos inverse 4x³ - 3x, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं, एक एरो ऐसा बनाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं काम। और क्या करोगे आप, पुट एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, cos θ। तो x इक्वल टू cos θ पुट करते ही क्या हो जाएगा, cos inverse 4, और x की जगह पुट करोगे cos θ, तो ये cos³θ हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 cos θ, हाँ या ना। अब यहाँ से क्या बना, cos inverse 4 cos³θ - 3 cos θ किसके बराबर है भैया, cos³θ के बराबर। तो पुट कर दो फटाफट से cos³θ। अगेन यहाँ पर आप यहाँ लिख देना कि cos inverse ये हमने पढ़ रखा है कि cos x बराबर क्या होता है भाई, x होता है, क्या होता है, x मतलब ये चीज़ इससे हट जाती है और ये x बचता है। तो यहाँ पर बताइए ये चीज़ क्या होगी, इससे हट जाएगी और क्या बचेगा, अगेन 3 थीटा, हाँ या ना। फिर से क्या हो जाएगा कि थीटा की आपको वैल्यू चाहिए, तो थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ये इस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, cos inverse x, समझ गए या नहीं। तो थीटा की जगह आप रख दीजिए 3 cos inverse x, और फिर से क्या लिख दीजिए, हैंस प्रूफ, समझ गए। अब एक दो बच्चे ये सोच रहे होंगे, वैसे सोच रहे हो या नहीं पता नहीं, कि सर ये तो बहुत थोड़ा टफ सा लग रहा है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ क्या पुट करेंगे। तो बच्चों ये सबकी प्रॉब्लम है, आपकी क्या ये प्रॉब्लम सबकी है, कि मैं भी जब 12th में था, मैं भी पहले दूसरे क्वेश्चन देख के डर गया था कि भाई ये तो थोड़ा टफ सा है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे सब समझ जाओगे, बस क्वेश्चन करते रहो सब चीज़ें समझ जाओगे, और फॉर्मूले में इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा कि कम लगेंगे और मज़ा ज़्यादा आएगा, ओके। तो ये देख लो, हो गया नोट, चलो थर्ड करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अब सीखेंगे हम कुछ अच्छे फॉर्मूले। देखो बच्चों थर्ड फॉर्मूला है, और ये है टेन इनवर्स का, समझिएगा। अब जो मैं फॉर्मूले करा रहा हूँ वो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, थर्ड वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में आता है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सिंपल है, इक्वल्स टू, सिर्फ एक बार tan इनवर्स लगाना है और ये ऊपर वाले ऐड कर देना है, तो x प्लस y, और नीचे 1 - x * y कर देना है। समझ में आ गई बात है, नहीं कोई परेशानी नहीं है। और इसी के साथ एक चौथा फॉर्मूला बन जाता है यहीं पर ही, इजी सा, tan इनवर्स x, यहाँ प्लस था इधर माइनस लगा दीजिए, माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस था, इधर माइनस है तो आप समझ गए होंगे कि भैया इधर माइनस कर दो, ऊपर प्लस था लेकिन नीचे माइनस, यहाँ ऊपर माइनस तो नीचे प्लस आएगा, समझ गए कैसे यूज़ करने है? मैं भी सब समझाता हूँ, टेंशन मत देना। देखो बच्चों यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है, कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है 4 marks का, कन्फर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन हमेशा यहीं से आया, चाहे आप किसी भी ईयर का पेपर देखना। तो इन फॉर्मूलों पर सबसे ज़्यादा मैं आपको काम भी करवाऊंगा, मेहनत करवाऊंगा, तो आप भी ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, ठीक है। चलिए तो इसका जो क्वेश्चन है हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो हमारा क्या है, थर्ड वाला, अब थोड़ा मजा आने लगेगा। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू, प्रूफ करना है आपको टेन इनवर्स किसके इक्वल है, 1/2 के। और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो शायद ही कोई टीचर बता पाए आपको, ऐसी ट्रिक बताने जाऊंगा इसमें कि बस आप सोचोगे कि आप ही जीनियस बन चुके हो उसमें, इनवर्स में, ठीक है। और देखना कितनी जबरदस्त ट्रिक होगी, वो आगे सीखेंगे अभी। चलिए तो यहाँ पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि इस चीज़ को x है और ये चीज़ क्या है,
वाई है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यहाँ लिख देना कि वी आर यूजिंग क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और वन माइनस एक्स वाई, समझ गए। तो ये आपका एक्स की तरह है, ये वाई की तरह है, तो यहाँ पर सीधा लगा दो सॉल्यूशन लिख के। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, देखो ये टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स लिखेंगे, लिख दीजिए टेन इनवर्स के बाद ब्रैकेट बनाएंगे और क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्या है आपका, ये रहा, तो ये आ जाएगा टू अपॉन इलेवन प्लस वाई कितना है भाई, वाई है आपका सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर। फिर नीचे आएगा वन माइनस, फिर क्या एक्स वाई है ना, देखिए एक्स इंटू वाई प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या आएगा टू अपॉन इलेवन इंटू सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर, समझ गए। कुछ बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, मतलब बड़ी नहीं है, छोटी गलती है पर बहुत बड़ी मानी जाती है, वो इस चीज़ को यहाँ फॉर्मूले में लगा के और यहाँ इक्वल्स टू में लगा देते हैं कि टेन इनवर्स वन अपॉन टू। तो भाई ये गलत है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये बराबर है, या तो आपको प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, और आप इसको बराबर लेके चलोगे तो गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है, ये अपने आप आ जाएगा जो आना होगा। तो अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, टेन इनवर्स कैलकुलेशन है बेसिक, देखिए 24 इसके नीचे 11 इसके नीचे, तो इसको इधर इंटू होगा इसका इधर, तो 24 इंटू टू कितना हो जाएगा बच्चों 48 प्लस 11 इंटू सेवन कितना हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 264 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ क्या आएगा 1 माइनस, देखिए ऊपर इंटू करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 7 × 2 = 14 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 264, ठीक है। अब इसी को यहीं पर आगे देखिए, अब ये चीज़ तो इसके बराबर हो ही सकती है, टेन इनवर्स किसके बराबर, ऊपर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 और 8 = 5 = 15 1 और ये 5 और 7 = 125 आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना है 264 होल डिवाइड बाई, देखिए ये कितना आएगा, ये इस तरफ जाएगा, हाँ है ना, तो 264 - 14 ऐसे ही को जाएगा, 264 - 14 एलसीएम वाली बात है अपॉन 264, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, ये बड़ा वाला है ना, तो ये चीज़ अगर इक्वल हो तो कैंसिल हो जाती है, सिंपल है ना। तो ये आपका क्या है, टेन इनवर्स 125 / 250 यही तो है, और आपको पता ही है कि 125 × 2 कितना होता है, कितना होता है 250, तो आंसर क्या है टेन इनवर्स ये, ठीक है। और यहाँ लिख देना हैंस प्रूफ, समझ गए। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, टेन इनवर्स 1/2 के इक्वल, कोई परेशानी नहीं है, चलिए समझ में आ गया होगा। तो हटा देते हैं इसको, है ना, चलिए हटा दीजिए इसको। चलिए अब फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, अब मैं थोड़ा आपको जीनियस बनाता हूँ, कैसे जीनियस बनाते हैं, याद करके नहीं, प्रूफ करके, कैसे प्रूफ करके, ऐसे प्रूफ करके, देखिए अब फिफ्थ वाला वो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है समझिएगा। ये होता है 2 tan inverse x = क्या है, ये 2 tan inverse x = होता है बच्चों 10 inverse 2x / 1 - x² है ना। अब मन में आ रहा होगा कि सर अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब तो आप फॉर्मूले लिखाते जा रहे हो, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं इसको प्रूफ कर लेते हैं, है ना, 2 मिनट में इसको प्रूफ कर लेते हैं, थोड़ा याद रहेगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसकी प्रूविंग क्या होता है, आप यहीं लिख लो, यहीं पर ही इसकी प्रूविंग यहीं लिख लो, कैसे होती है देखो। तो 2 tan inverse x को ये प्रूफ अगर करना हो कि ये फॉर्मूला होता है, कैसे होता है ना, अगर कभी आ जाए कि प्रूफ कर दो भाई, तो 2 tan inverse x को आप tan inverse x + tan inverse x लिख सकते हो या नहीं, बताओ। अगर जैसे यहाँ 2x लिखा होता तो 2x को आप क्या x + x नहीं लिख सकते, तो ऐसे ही 2 tan inverse x को आप क्या tan inverse x + tan inverse x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप कौन सा tan inverse x + y वाला जो ऑलरेडी सीखा है आपने, x + y / 1 - x y, तो यहाँ लगाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो x और x ऐसे ही तो आ जाएंगे, यहाँ दोनों x है, अपॉन में क्या आएगा 1 - x, हाँ ना, तो इससे क्या बना tan inverse 2x / 1 - x², समझ गए या नहीं। तो 2 tan inverse x इसके इक्वल होता है, ये इसका क्या है प्रूफ है, तो आप चाहो तो ये प्रूफ लिख लेना, ओके काम आ जाएगा आपके, समझ गए। तो अभी फॉर्मूला याद हो गया, चलो इससे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 tan inverse 1/2 + tan inverse 1/7 = tan inverse 31/17, सही है, हाँ भाई सही है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ समझ आई गई होगी पहले कर दी, तो यहाँ पर आप समझिएगा सॉल्यूशन फोर्थ वाला, देखिए अब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि 2 tan inverse x वाले को, 2 tan inverse वाले को पहले हम ये फॉर्मूला लगाएं, 2 tan inverse
टू टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना है 1/2 तो लगा देते हैं ना, तो ये 2 टेन इनवर्स वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 10 इनवर्स में। तो चलो फटाफट से लगाओ, तो इस वाले में हम लगाएंगे, तो देखो पहले इसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर, हम ऐसे लिख देंगे 2 टेन इनवर्स, ऐसे करेंगे 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 2 टेन इनवर्स में हम ऐसे यहाँ पर साइड में लिख देंगे कि भैया 2 टेन इनवर्स 1/2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स 2 इंटू 1/2, हाँ है ना, और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, समझे या नहीं। 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है। तो जल्दी से इसे और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 टेन इनवर्स, देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 1 माइनस 1/4, हाँ या ना, 1/4 हो जाएगा ना जी। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, 10 इनवर्स जल्दी से कर दूँ, 4 इधर जाएगा तो 4 बन जा 4 माइनस 1 3, और ये 4 फिर ऊपर सबसे जाएगा तो 4/3 आ जाएगा ना बच्चों। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 इनवर्स 4/3। तो क्या मैं इसकी जगह पर बच्चों अब 10 इनवर्स 4/3 लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो, कौन रुकेगा, समझ गए ना, जल्दी से फटाफट से लिख दो आप भी, जल्दी से फटाफट करो ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब यहाँ पर टेन इनवर्स ये किसकी तरह काम करेगा, एक्स की तरह, ये किसकी तरह करेगा, वाई की तरह। तो अगेन कैसे फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, समझ आ गई बात, कोई परेशानी नहीं होगी। अब जल्दी से सॉल्व कर लो बच्चों, तो 7 4 जा 28, ठीक है, और प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7 3 जा 21 होल अपॉन, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 4 1 जा 4 7 3 जा, समझ रहे हो कितना आ जाएगा था 21। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 10 इनवर्स 21 और 28 और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 31 अपॉन कितना है 21 अपॉन, देखिए 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17 अपॉन 21। अभी अभी समझाया था ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा 10 इनवर्स 31 अपॉन 17, यहाँ क्या आएगा, हैंस प्रूफ क्यों चेक कर लो, 31 अपॉन 17, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। चलें आगे बढ़ें, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गए सारे, चलिए इसको देख लीजिए अगर कुछ नोट करना हो तो, आगे बढ़ते हैं आप। तो आई होप आपके ये फॉर्मूले भी अब आपको थोड़े से याद हो गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब थोड़ा सा बच्चों अब थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत तो ये भी होगी कि अगर आपने बटन वाला नहीं दबाया होगा, वो लाल वाला, तो दबा देना सब्सक्राइब वाला, ठीक है, क्योंकि वो भी मेहनत थोड़ी सी होती है, कर दिया करो यार, अगर नहीं दबाया तो दोबारा मत दबा देना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपने नोट कर ली, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं 5th क्वेश्चन से, ओके, तो इसे भी हटा देते हैं। तो कितने फॉर्मूले हो गए, ये 5 हो गए, ज़्यादा नहीं हुए अभी, तो और सीखेंगे बढ़िया बढ़िया से। चलिए भाई 6th वाला फॉर्मूला देखते हैं, देखिए बच्चों अब 6th वाले फॉर्मूले के बाद 6th में कोई फॉर्मूला नहीं है, 6th में क्या है, ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है कि भाई सर ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक का मतलब आप क्वेश्चन नंबर 5th के आगे अगर आप देखो, तो इनको हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, नहीं राइट राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये 5th के आगे के जो क्वेश्चन है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इन सबको बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ऐसे नहीं कर पाओगे, थोड़ा सीखना पड़ेगा, आपको मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप याद रखना, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रिक, ये ट्रिक होती है जो आपको यूज़ करनी होती है। देखो बच्चों आप थोड़ी सा आप समझना चाहते होगे, है ना, क्योंकि ट्रिक डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी, तो थोड़ा समझना भी चाहते होगे। आपको थोड़ा ये याद है, ये वाले फॉर्मूले याद हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, है ना, और फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना ये, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, 10th क्लास में पढ़ी थी हमने, नहीं अगर बताओ तो इन्हें तो लिख लो यार, बहुत छोटी है ये तो पता चली जाएंगे, ठीक है। अब हमें बच्चों समझना क्या, हमें ये समझना है कि आपके पास जब भी फॉर्म आएगी, यहाँ पर फॉर्म यहाँ लिखता हूँ और ट्रिक यहाँ लिखेंगे, फॉर्म का मतलब अगर बच्चों ऐसी फॉर्म आती है, फॉर्म आती है आपकी कैसी, देखो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप समझो, तो अगर फॉर्म आती है आपकी कैसी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली, कैसी फॉर्म आती है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5th में देखो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात एक ही, ये तो समझ रहे हो ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या
वन प्लस एक्स स्क्वायर हो, ये दोनों बातें एक ही होती हैं, क्योंकि ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो बात एक ही है, तो समझ रहे हो, तो दोनों चीज़ें एक ही है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन वाली फॉर्म आती है तो आपकी ये वो होगी ट्रिक, ट्रिक यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रिक होगी कि आपको इसमें क्या पुट करना होगा, पुट एक्स इक्वल्स टू पुट करना होगा आपको सेक थीटा, क्या पुट करना होगा इसमें एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा, गलत बात सॉरी, क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू इसमें पुट करेंगे बच्चों टेन थीटा। अब ये कैसे हुआ कि x इक्वल्स टू पुट करेंगे टेन थीटा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ टेन थीटा पुट करते हो तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन टाइप बनेगा ना, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन टाइप यहीं तो बनना है, x ये टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बनेगा, तो जिससे sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये छोटा नहीं हो गया कि x की जगह टेन थीटा पुट करते ही क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो दो चीज़ों का एक सिंपलेस्ट ही बन गया। तो ये कुछ तरीका होता है, हर टीचर रटा सकता है, मैं भी रटा सकता हूँ, लेकिन समझ भी जाए कि ये होता क्यों है, कि यही क्यों पुट करते हैं, तो ऐसा पुट कर देंगे, ठीक है। क्यों पुट करेंगे समझ में आ रही है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट हो जाएगा, और जब करेंगे ना क्वेश्चन पक्का और अच्छा समझ में आएगा, या तो टेन थीटा करेंगे या फिर क्या करेंगे कॉट थीटा, या क्या करेंगे और क्या करेंगे कॉट थीटा, समझ गए या नहीं, अब समझ में आएगी आपकी पहली। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बच्चों अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए, क्या आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन के लिए या तो सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा दो होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो बच्चे अभी ये वीडियो छोड़ रहे होंगे समझिएगा, आप फिर आगे मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो ऐसा मत करना कि वीडियो छोड़ना, अगर थोड़ी भी कहीं दिक्कत लग रही है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, पेशेंस रखो, मतलब थोड़ी शांति रखो, चीज़ें इतनी मज़ेदार निकलेंगी ना, ठीक है। तो ऐसा मत करना, मुझे पता चल जाता है कि बच्चे अब सोच रहे होंगे कि यार अब थोड़ा टफ हो रहा है और सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सबको ही ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा वेट करो, अभी सब मज़ेदार आएगा। तो ये समझ में तो आ ही गया होगा कि एक्स इज़ टेन थीटा कॉट थीटा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स इज़ टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो ऐसा बन रहा था कॉट स्क्वायर प्लस थीटा वन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। कब टेन थीटा होगा कब कॉट थीटा होगा ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और आप समझ भी जाएंगे बच्चों। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन जब भी फॉर्म में आ जाए, कौन सा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला, जरा देखो सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए तो आप एक्स की जगह पुट, एक्स की जगह उस टाइम पर आपको सिर्फ दो चीज़ें पुट करनी है, क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको इस वाले को अच्छे से देखो तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं माइनस वन इस वन को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, समझ गए होगे क्या समझा रहा हूँ। तो एक्स की जगह आप सेक थीटा पुट कर देते हो तो फॉर्मूला कैसा बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हाँ या ना, तो जैसे छोटा होके क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो यानी, या कोसेक पुट करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ सिंपल हो रहे हैं ना दो का एक बन जाता है, ऐसे ही क्वेश्चंस में भी होने वाला है, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाली एक लास्ट फॉर्म ये होती है कि वन माइनस क्या हो एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा या वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बातें यही है, ठीक है, यहाँ लिख लो, लिख भी लो भाई, लो ये वाला हो या ये वाला हो, ये दोनों बात एक है, मैंने पहले समझाया था। फिर यहाँ ये क्या हो सकता है कि इसमें से एक्स स्क्वायर में से वन माइनस हो तब ये सब होगा, और वन में से एक्स स्क्वायर माइनस हो तब क्या होगा, तब एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे पुट, लास्ट जो बचे वही पुट कर देंगे, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा, क्यों आराम से देख लो, अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाओगे इधर, तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो एक्स की जगह जब यहाँ कॉस थीटा पुट करोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो हो जाएगा, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। और जब एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करोगे तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे होगा क्या अवस्था समझा रहा हूँ, है ना, तो अब समझ में आ गई। तो ये क्या है इसकी ट्रिक है। अब चलो अब क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट का मतलब होता है छोटा करना है, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है अपने पास टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, क्या है टेन इनवर्स में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखो एक ये चीज़ सीख लो यार बच्चों, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो साइड में लिखा है, जब भी डिनोमिनेटर में आता है एक्स तो यहाँ जरूर लिखना चाहिए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी का केस बन जाता है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा जब भी नीचे आ जाए एक्स तो जीरो नहीं होता ये। तो अब यहाँ से हमको पता है एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे इसमें टेन थीटा या कॉट थीटा, क्या पुट करने वाले हैं टेन थीटा या कॉट थीटा। तो हम जल्दी से इसमें पुट कर देते हैं
क्या पुट करेंगे? चलो एक काम करते हैं, टेन थीटा पुट कर देते हैं। अब सोच रहे होगे कि कॉट थीटा क्यों नहीं करेंगे, तो इसका जवाब थोड़ी देर में ले लेना, नहीं तो फिर और कन्फ्यूज नहीं हो जाओ। तो यहाँ क्या आएगा, वन प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या आ जाएगा वन, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका टेन थीटा। समझ में आ गई बात है? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ गए होगे, ठीक है। चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब समझिए अब क्या करना है हमको, अब ईजी हो जाएगा ये काफ़ी। देखिए टेन इनवर्स, आप देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ से देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में क्या है, टेन थीटा, ठीक है। अब समझिएगा इसी के आगे, यहीं से कर देते हैं टेन इनवर्स। देखिए एक स्टेप इधर लिखा है, दूसरा इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे, ठीक है, वो बोर्ड की कमी की वजह, छोटा बोर्ड लगता है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा। कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, टेन इनवर्स, देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, हाँ या ना। सेक थीटा को हम वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ, टेन थीटा। और टेन थीटा को भी आप साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉस थीटा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद क्या होगा, टेन इनवर्स, देखिए अब थोड़ा सा स्टेप जल्दी करते हैं, ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा, इधर, ठीक है। तो वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, और इसके नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, ये जो अब ये जो आया है, ये समझिएगा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात होती है, ये वाली जो चीज़ आई है ना, ठीक है। तो इसको मतलब मान लीजिए जो इंटीग्रेशन है या कोई भी मैथमेटिक्स की कोई भी चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। कैसे, इसके लिए आपको मतलब अब आपकी वो है, मतलब एक इम्तिहान वाली बात है, मतलब अब इम्तिहान का समय आ गया है आपका, कि कितना आप पेशेंस रख सकते हो। अब मैं जो आपको सिखाऊंगा वो है 11th के मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। अगर आप मैथमेटिक्स आगे और अच्छे से मन से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि भैया ने ये जो मुझे क्वेश्चंस कराए थे, वो ये जो फॉर्मूले मुझे कराए थे, ये कितने काम आ रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, पहला समझिएगा। पहला फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए इसे ज़रूर लिखना जिसने 11th नहीं करी है। साइन टू थीटा को हम लिख लेते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ गई बात या नहीं, ठीक है। और अब समझिएगा, अब ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं, अगर बच्चों यहाँ साइन टू थीटा है तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। समझ आ गई इतनी चीज़ या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर समझिएगा, साइन फोर थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन का फोर थीटा। पहले टू थीटा था तो थ्री कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अगर ये फोर थीटा होता है तो ये देखिए यहाँ पर ये टू का आधा हो गया ना, थीटा थीटा। तो अगर फोर थीटा का आपको फॉर्मूला बनाना है, ये मेन है, और इसके साथ ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको। फोर थीटा का क्या हो जाएगा, टू साइन टू थीटा, टू थीटा का आधा कितना हो गया, थीटा, तो फोर थीटा का कितना हो जाएगा, टू थीटा, समझ रहे हो। और क्या आ जाएगा, कॉस टू थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं। अगर यहीं पर ही बच्चों, अगर मैं पूछूँ आपसे कि भाई अगर ये कभी कभी साइन एट थीटा भी आने वाला है आपकी लाइफ में आगे, तो क्या बनेगा इसका, टू साइन आधा करना है सिंपल, तो क्या हो जाएगा, फोर थीटा कॉस फोर थीटा, ठीक है। अब ये तो ईजी था। अगर बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा आ जाए तब क्या आएगा, तब आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ा सा बस दिमाग लगाएं, इसका आधा ही तो करना है। तो इस टाइम पर यहाँ पर आ जाएगा टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। ये चीज़ समझ आई या नहीं, क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें करने हैं, बस ऐसा ये वाला याद रखना है, साइन टू थीटा का टू साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका जो भी होता है इसको हम आधा कर देते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लो क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ, ठीक है। या फिर चलो इधर से खा दे रहा हूँ, बाकी फॉर्मूले इधर से खा देता हूँ। याद रखना, ये जो मैं फॉर्मूले अभी इस टाइम बता रहा हूँ, ये 11th के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, आपके बहुत आगे तक काम आएंगे। देखिए एक तो ये हो गया पहला, ये वाली फॉर्म वाला, ठीक है। इस वाले को याद रखना, ये सब आप बना लेंगे कि इसको आधा कैसे करा, इसका आधा थीटा था, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू एट का फोर फोर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये वाला याद रखना है, मैं वन माइनस बच्चों अगर कॉस टू थीटा हो जाए, तीन फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ तीन है। वन माइनस अगर कॉस टू थीटा हो जाए तो इसको आपको लिखना है टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे आप इसको, वन माइनस
कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। यहाँ 2 थीटा आएगा तो इधर आ जाएगा थीटा, ओके। अगर बच्चों यहाँ 1 माइनस कॉस का अब समझ में आने लगेंगे, 4 थीटा आ जाए, कॉस 4 थीटा 2 था तो आधा हो गया, थीटा आ गया, तो इसको आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर। क्या लिखोगे जल्दी बताओ, क्या लिख दूँ, क्या 2 थीटा लिख दूँ, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है 2 थीटा। समझ आ गई बात, यानी फिजिक्स में भी यूज़ होने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा। अगर बच्चों 1 माइनस कॉस यहाँ पर अगर 8 थीटा आ जाता तो आप क्या लिखते, 2 साइन स्क्वायर। आप सोच रहे होगे भैया आप तो बोर कर रहे हो, बोर नहीं कर रहा यार, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा बहुत मस्त तरीके से याद हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बता दो जरा 1 माइनस कॉस थीटा हो खाली, 2 था तो आधा हो गया, 4 था तो 2 हो गया, 8 था तो 4 हो गया, और थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर, और थीटा का आधा हो जाएगा थीटा पॉइंट 2। समझ गए यानी, ठीक है। तो ये एक तरीके का ये हो गए, सेकेंड तरीके के क्या हो गए, ये वाले, तो इसको आप लिख लो, ये मतलब ये सेकेंड तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके के भी आ गए। अब थर्ड तरीका और है, बहुत ईजी सा है। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ये मेन है, लेकिन ये आप लिखना प्लीज़ लिख लेना इन सबको। अब लास्ट और है एक थर्ड वाला कि बच्चों 1 प्लस अगर कॉस 2 थीटा आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आता है तो आपको लिखना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या क्या डिफरेंस है, माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। अगर माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आने वाला है, और अगर प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आने वाला है। समझ आई बात या नहीं, समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आपका 1 प्लस, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 1 प्लस कॉस 4 थीटा आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस 8 थीटा आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, बताइए क्या आएगा, 4 थीटा आ जाएगा, इसका आधा। और यहीं बच्चों अगर 1 प्लस सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा आएगा तो क्या लिखोगे आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिखोगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद करना है, और इन तीनों को मैं आपको आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इन तीनों को एक नाम देंगे हम, इसका नाम होगा हाफ एंगल फार्मूला। क्या होगा, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। तो जब भी बोलूँ कि भैया हाफ एंगल फार्मूले वाले यूज़ करने हैं तो आप समझ जाइएगा कि इन वालों में हाफ का मतलब क्या होता है, एंगल का सब में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट कर लो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मैं इसे हटाता हूँ, अब इसे यूज़ करेंगे हम, ओके। हटा दो इसे, नोट कर लिया ना फटाफट, ठीक है, हटा देते हैं। ये जिस बच्चे ने सीख लिया ना, उसकी मतलब समझ लीजिए कैलकुलस हो, मतलब इंटीग्रेशन वाली चीज़ हो, या फिर डिफरेंशिएशन हो, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी हो जाती है इसके बाद। चलिए तो अब इसके बाद देखिए अपना क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो बच्चों क्या मैं अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस कॉस थीटा, याद आया 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या अब लिख दूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, देखो लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ से देखो आप, तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, समझ गए यानी। और नीचे क्या है, साइन थीटा, तो इस साइन थीटा को देखो यहाँ लिखा ही हुआ है, क्या है, लिख दे रहे हैं यहीं से, क्या है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल और साइन थीटा से साइन स्क्वायर वाला कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि ये चीज़ टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, टेन आ जाता है ना, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा अपॉन 2, समझ गए। टेन से इनवर्स हट जाता है, लेकिन आपको ऐसे काट के नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है, याद रखना कभी नहीं दिखाना है, टेन इनवर्स यहाँ क्या लिखना है, टेन थीटा, तो इस चीज़ को आप सीधे क्या लिख दोगे, थीटा अपॉन 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि कैसे आया थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ कुछ और करना था, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लगानी थी। अब आपने ये थीटा तो माना था, जो भी चीज़ हम मानते हैं ना, मतलब हम जो चीज़ लेट कर लेते हैं या लेट ही तो किया था, कभी भी आंसर इस फॉर्म में नहीं देते, हम आंसर उसमें देते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन मिला है, हमें एक्स में मिला है ना, थीटा में नहीं मिला तो हमें एक्स में कन्वर्ट कर देना है बस लास्ट में, हो गया सॉल्व, टेंशन मत लीजिए। आप इसके आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की जगह क्या वैल्यू आएगी, क्या यही आएगी, टेन इनवर्स एक्स आएगी ना, है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आंसर लो क्या आएगा, आंसर टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, ये क्या है अपना आंसर, इसे चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी से फटाफट। तो ये चीज़ समझ में आ गई, और जिन बच्चों ने ये चीज़ समझी है, नहीं समझी है तो दोबारा समझो, जिनने ये समझी है ना उसका कंसेप्ट बहुत तगड़ा होने वाला है, ओके।
चलिए सर रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी कितना भी ब्रिलियंट हो, जिसको ये इजी लगे, ठीक है? और इजी लग रहा होगा तो फिर वो लाइक वाला बटन दबा देना, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, मतलब खुशी सी मिलेगी थोड़ी। चलो अब सिक्स वाला और करते हैं, ठीक है? सिक्स वाला क्या है बच्चों, 10 inverse 1/√(x²-1)। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले फॉर्म पहचानो, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाली फॉर्म में आपको हमने बताया था सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या पुट कर देते हैं, इसमें हम सेक थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है? समझ में आ जाएगा क्यों सेक थीटा पुट कर रहे हैं। चलो पिछली बार सेक करा था, चलो कोसेक कर ले रहे हैं, ठीक है? अब ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करते हैं, जो चाहे वो पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाता है। तो पुट एक्स इक्वल्स टू, मान लो आपने क्या पुट कर दिया, कोसेक थीटा पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, कोसेक थीटा, ठीक है? तो यहाँ आप क्या हो जाएगा बताइए, 10 inverse 1/√(x²-1)। क्या बनेगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा, यानी फिर क्या आएगा यहाँ, 10 inverse, ठीक है? और 1/√(cosec²θ-1) भाई क्या होता है, इसको इधर लेके आएंगे तो cosec²θ-1 क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पर, cot स्क्वायर थीटा, ओके? अब 10 inverse, ये देखिए ज़रा, cot स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/ क्या आ जाएगा, ये cot थीटा स्क्वायर से बढ़ जाएगा ना। और 10 inverse, देखो ये तो बच्चे को ही बताएगी, 1/cot θ, ये तो बहुत 10th में बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया होगा ना टीचर ने, 1/cot θ क्या होता है, 10θ। तो बस बच्चों अब 10 inverse 10θ क्या होता है आपका, थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पर आपका, थीटा क्या है यहाँ पर आपका, cosec इनवर्स एक्स, हाँ या ना? तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा का cosec इनवर्स एक्स, ठीक है? इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, क्या ये आंसर सही है या नहीं है। तो आप जब आंसर चेक करेंगे तो उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, उस टाइम पर ये भाई साहब आंसर देंगे, ये π/2 sec inverse x, और आप कहेंगे कि भाई ये तो सर गलत क्वेश्चन कर दिया आपने, आपने तो निकाल दिया cosec inverse x, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है π/2 sec inverse x। अब इसका क्या सॉल्यूशन दोगे, तो चलो अब छोटे छोटे बस तीन फॉर्मूले, अगर आप चाहो तो देखो पेज नंबर इस पे भी दिख जाएंगे, आपको देखने हो तो बता दे रहा हूँ मैं, पेज नंबर है आपका ये 43 वाला और फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है इसमें देख लो, ठीक है? नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो बहुत इजी होते हैं, इन्हें लिख लेना, इम्पोर्टेंट सिंपल फॉर्मूले, ठीक है? इन फॉर्मूलों का नाम हम देंगे π/2 वाले फॉर्मूले, बहुत इजी है, π/2 वाले फॉर्मूले कैसे होते हैं, देखो ये होता है sin inverse x + cos inverse x इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, π/2, फिर आता है आपका साइन के साथ कॉस रखेंगे, 10 inverse x + cot inverse x इक्वल्स टू क्या होता है, π/2, ठीक है? और एक और होता है क्या होता है, एक और होता है क्या होता है भाई, sec inverse x + cosec inverse x इक्वल्स टू क्या होता है, π/2। समझ आ गई बात, यानी क्या हो जाता है, π/2। तो हमारा आंसर क्या आया था, अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब यहाँ x होता है, यहाँ x होता है, तभी ये चीज़ π/2 के इक्वल होती है, मतलब सेम होगा तभी ये π/2 के इक्वल होगी, अगर अलग अलग हो जाएगा ना तभी π/2 के इक्वल नहीं होगी। मतलब देखो साइन इनवर्स, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको तो हम करेंगे 1/3 और कॉस इनवर्स 1/3 है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, π/2। हमें सॉल्व वॉल्व नहीं करना, सीधे क्या करना है, π/2। लेकिन यहाँ अगर 1/4 हो जाएगा तो ये चीज़ π/2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये x है पर ये x नहीं है, सेम नहीं है। तो जब भी सेम हो जाए और ये दोनों ऐड हो, तो π/2 सेम हो, π/2 सेम हो, क्या हो जाएगा, π/2। समझ में आ गई ना बात, इजी वाली बात है, ठीक है? तो यहाँ पर अब क्या आप यहाँ से देख सकते हो कि अपना आंसर क्या आया था, cosec inverse x, एनसीईआरटी आंसर क्या दे रही है, π/2 sec inverse x। तो cosec inverse x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, π/2 sec inverse x। तो हम यहाँ से सीधा ये लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा, π/2 sec inverse x। समझ आ गया या नहीं? तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके? एनसीईआरटी से मैच खा गया या नहीं खा गया? चलो एक थोड़ा सा टाइम पास वाली बात नहीं, चलो थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं, आप टाइम पास का मतलब थोड़ा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ये हो गया सॉल्व, ठीक है, आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं, एक दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से, हटा दें इसे, हटा दो।
और अब टेंशन मत लेना, फॉर्मूले जहाँ तक है खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब एक एक आध फॉर्मूला आएगा तो आएगा, अब इसके आधा फॉर्मूले नहीं आएंगे। देखो पिछली बार हमने पुट क्या करा था बच्चों, कोसेक थीटा, है ना, और उस टाइम मैं बोल रहा था कि सेक थीटा पुट कर दें, तो फिर मैंने नहीं किया था। चलो आप क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा ही पुट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं अगर सेक थीटा पुट करने से होता क्या है इसका। चलो भाई तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हाँ या ना। फिर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखना आप, टेन इनवर्स वन अपॉन ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वहाँ से देखो क्या आ रहा है अंडर रूट में, टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। फिर टेन इनवर्स अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, हाँ या ना। और ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा, ठीक है। अब टेन इनवर्स, अब यहाँ से जैसे ये आता है क्या, कॉट थीटा, तो यहाँ देखो यार जीनियस वाली बात है, थोड़ी समझ लेना, ये क्या आता है कॉट थीटा, क्या टेन इनवर्स से कॉट थीटा कट सकता है, नहीं कट सकता, क्यों, क्योंकि यार टेन होता तो ये सिर्फ थीटा रह जाता। लेकिन हमने एक चीज़ सीखी है, हमने एक चीज़ ये सीखी है बचपन में, बिल्कुल बचपन में सीखी थी ये, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा, ये याद है या नहीं याद है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा, ये बिल्कुल बचपन में सीखा था। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा आपने क्या सीखा था, कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा आपने क्या सीखा था, टेन थीटा, ये वाले सीखे थे या नहीं सीखे थे, टेंथ क्लास में थे। और तो यहाँ से चलो ये मिल गया, नहीं मिल गया कि ये वाला टेन 90 माइनस थीटा या ये वाला, तो ये नहीं, ये थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से कॉट थीटा की जगह, जिसने देखो नाइन्थ अच्छे से टेंथ अच्छे से पढ़ी है, टेंथ अच्छे से पढ़ी है, तो वो यूज़ कर सकता है, ये वो पुराने वाले तरीके को नहीं भी यूज़ कर सकता है, कि कॉट थीटा की जगह अगर आप यहाँ टेन 90 माइनस थीटा लिख दो, क्या लिख दो, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इसका उसका आंसर सीधे आ जाएगा। तो यहाँ से 90 की जगह हम काट के पाई बाई टू लिख दें, क्योंकि 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाई टू, ठीक है। तो अब 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, अब ये क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा उसका, सेक इनवर्स एक्स। तो आप समझ में आया, आप सेक थीटा कोसेक थीटा दोनों पुट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका जो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पुराना है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था, सेकंड मेथड। कमेंट सेक्शन में अभी बता दो यार कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है, और ये भी बता देना कि सर दो दो मेथड में टाइम मत वेस्ट किया करो, या फिर सर दो दो मेथड बताया करो, जैसी भी आपकी मर्जी हो प्लीज़ शेयर करना अपनी, ठीक है। चलो हटा देते हैं सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये वाले जिसको नहीं आते वो नोट कर लो, साइन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा होता है। चलो भाई अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ वाला। सेवेंथ क्या है, टेन इनवर्स वन माइनस कोसेक्स, ये तो देखते ही आप कर दोगे आंसर, क्या है टेन इनवर्स अंडर रूट में वन माइनस कोसेक्स अपॉन वन प्लस कोसेक्स, हाँ या ना, यही है, ठीक है। कौन सा है ये, सेवन्थ वाला। देखो अब जल्दी से देखो, मैंने एक फॉर्मूले लिखाए थे इलेवंथ के हाफ एंगल वाले, अगर देखो तो उसे, और वहाँ मुझे याद है मैंने ये बताया था कि वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका, टू क्या होता है, टू, ये वाला याद होना चाहिए आपको, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ अगर मैं एक्स कर दूँ तो यहाँ शायद मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं होगी, हाँ या ना। और एक मैंने ये भी लिखाया था कि बच्चों अगर माइनस की जगह प्लस आ जाए तो इसको आप लिख देना टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, देखो हाफ एंगल वालों में अगर आपने लिखे हैं तो बस इसी को उठा के यहाँ रख दो और कुछ करना ही नहीं है, ख़त्म क्वेश्चन। तो वन माइनस कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और इसकी जगह आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, समझ गए, यानी टू से टू कैंसिल, और ये क्या आ गया आपका, इक्वल्स टू है, ठीक है। ऐसे करके टेन इनवर्स अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, समझ रहे हो, हाँ या ना। अब रूट से स्क्वायर भी हट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, ये टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन टू आ जाएगा, और टेन वर्स से टेन वर्स कट गया तो आंसर क्या आया, एक्स अपॉन टू, और ये क्या आ गया आपको फाइनल आंसर। ये ईजी लगा या नहीं लगा, लेकिन ये कब ईजी लगा, जब आपको ये इलेवंथ वाले हाफ एंगल वाले फॉर्मूले आ गए, समझ गए ना बात, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चले करें, हटा दें इसे, चलो हटा देते हैं।
चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसको भी 99 और वो सब लाने हैं ना, तो पहले तो एक बटन दबाना पड़ता है, वो लाल वाला, अगर दो बार भी कहिए और नहीं दबाया तो अब दबा देना, ठीक है। और बेल आइकन, जीनियस वे बताता हूँ, मतलब जीनियस वाला, जीनियस फॉर्मूला बताता हूँ एक ऐसा जिसको आप, जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो बाकियों से अलग बनाता है? तो ऐसा एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखो क्या होता है, समझना, थोड़ी इलेवेंथ की बात है, थोड़ी सी इलेवेंथ की बात है, इलेवेंथ क्लास की थोड़ी सी बात है। दो फॉर्मूले होते हैं इलेवेंथ में, टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा बेहतरीन समझना है तो आपको ये जीनियस फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। टेन एक्स प्लस वाई बच्चे होता है आपका, ये इन्वर्स नहीं है याद रखना, ये इलेवंथ का, इलेवंथ वाला है, टेन एक्स प्लस वाई होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ओके। और यहीं पर, अगर यहीं पर ही देखो, यहीं यहीं कर दे रहा हूँ, क्यों दो दो बनाओ, अगर चलो लिख ही लो यार, अगर यहाँ x माइनस वाई आ जाता है तो ये क्या आ जाता है, टेन एक्स, यहाँ क्या आएगा माइनस, कुछ कुछ याद है वो इन्वर्स वाले जैसे लग रहे हैं, वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, कौन सी क्लास के हैं, इलेवंथ क्लास के। इतनी जो समझ में आ गई, लेकिन हमें सीखना क्या है, हमें कुछ नया सीखना है। जीनियस फॉर्मूले ये नहीं है, ये तो इलेवंथ के फॉर्मूले हैं। जीनियस फॉर्मूला क्या है, देखो भाई, जीनियस फार्मूला, और इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये वाले फार्मूले तो नहीं है, ये टेन इनवर्स एक्स वाले, नहीं वो अलग हैं, ये टेन एक्स प्लस वाई है, इसमें इनवर्स का कोई बात ही नहीं है, है ना। वो इनवर्स वाले ट्वेल्थ के हैं, ये इलेवंथ के हैं। अब यहाँ से मैं सिखाता हूँ कौन सा वाला, जीनियस वाला मेथड। बच्चों जल्दी से एक काम करो, एक इस वाले फॉर्मूले को ज़रा यहाँ लगाओ, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स पे ज़रा लगा देना, पाई बाई फोर प्लस एक्स पे ज़रा इस फॉर्मूले को लगा देना फटाफट। तो कैसे लगाओगे, जो कह रहा हूँ उसे कर लो जल्दी। तो ये कुछ आपका एक्स की तरह और ये कुछ वाई की तरह, तो मैं क्या, ये फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा, टेन पाई बाई फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। जिसने ये सीख लिया उसके मार्क्स पक्का है 100 आएंगे, तो सीख लेना यार, क्योंकि मेहनती इंसान के मार्क्स आते हैं, और थोड़ी बात भी माननी चाहिए यार। 10 पाई बाई फोर प्लस, अब 10 पाई बाई फोर की वैल्यू आपको पता है, 10 पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आया, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 1 इंटू टेन एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टेन एक्स। 10 पाई बाई फोर कितना होता है, 1, 1 प्लस टेन एक्स, नीचे 1 माइनस टेन पाई बाई फोर की जगह, इसकी जगह 1, 1 इंटू टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स। समझ में आई बात ये या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आ गई कि आपके पास अब लाइफ में जब भी 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स आएगा, ये चीज़ आएगा, तो आप जीनियस बनेंगे। कैसे, जब आप इसकी जगह छोटा करके क्या लिखा करेंगे, डायरेक्ट ये लिखा करेंगे। कहाँ से आया ये बात देखिए आपने, लेकिन आप कैसे करेंगे, जब आपके सामने ये सिचुएशन आने वाली है, ज़रूर आएगी, ज़रूर, मैं ज़रूर गारंटी दे रहा हूँ, ज़रूर आएगी। जब भी ये सिचुएशन आएगी तो उस केस में आपको बिल्कुल ऐसा लिख देना है, समझ गए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसे हटा दूँ मैं, अब जल्दी से इसे लिखने के बाद जल्दी से काम करो, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम और करना है अभी जीनियस बनने के लिए, जैसे अभी आपने क्या बनाया था, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स का बनाया था, एक बार पाई बाई फोर माइनस एक्स का बनाएंगे तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस क्या आएगा, टेन एक्स, समझ रहे हो, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स, समझ रहे हो ना, अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। तो यहाँ से आएगा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बराबर, टेन पाई बाई फोर की जगह वन लिख दें, इसकी जगह यही लिखे रहने दें, और यहाँ वन और प्लस वन, वन इंटू टेन एक्स टेन एक्स, समझ रहे हो। तो जब भी आपके सामने अब ये सिचुएशन आएगी, पाई बाई फोर माइनस एक्स वाली, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये आएगी आपके सामने, और अभी आने वाली है मुझे पता है, एक मिनट बाद, तो वन माइनस टेन एक्स अपन वन प्लस टेन एक्स, तो आप इसको सीधा फटाफट क्या लिखोगे, ये लिखोगे। देखो अगर ये करोगे तो जीनियस का मतलब होता है बहुत ऊपर लेवल सोचना, तो आप जीनियस बनोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसे हटा दें बच्चों, ठीक है। अब ये यूज़ कैसे होगा ये बता देता हूँ, ये सब उतार लो जल्दी से, और ज़्यादा नहीं कराऊँगा, पक्का कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, अब नहीं, अब तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है।
तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने एक चीज़ सीख ली कि भाई अभी अगर मैंने आपको दिया 1 + 10x, देख लो कॉपी में आपने ये लिखा है या नहीं 1 - 10x, तो इसको आप सीधे क्या लिखोगे 10π/4 + x, है ना। और अगर आपके सामने ये ऊपर प्लस नीचे माइनस आया तो ये करोगे, और अगर आपके सामने ये आया 1 - 10x / 1 + 10x, तो इसको आप सीधे ये लिखोगे 10π/4 - x। जो भी लिखेगा जीनियस बनेगा, 100 मार्क्स पक्का लाएगा, ठीक है। चलो तो अब कर दो, 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। 8th वाला क्वेश्चन क्या है भैया, वो 10 इनवर्स, क्या 10 इनवर्स cos x माइनस क्या है बच्चों साइन एक्स, अपॉन में क्या है कॉस एक्स, प्लस में क्या है साइन एक्स, यही है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ये जो क्या है न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, और इसको नीचे के ऊपर बोलते हैं डिनोमेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई ये काम करो, कॉस एक्स से डिवाइड मार दो पूरा, तो इससे क्या बनेगा आपको 10 इनवर्स, ये पूरा कॉस एक्स से ऐसे डिवाइड होगा, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, देखो सेम चीज़ से डिवाइड मार सकते हैं ऊपर नीचे अपॉन कॉस एक्स, और नीचे वाला भी क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा इसमें, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये चीज़ इसके भी नीचे आ जाएगी, इसके नीचे भी आ जाएगी, तो इसके नीचे जब आएगी तो ये कॉस एक्स अपॉन ऐसी बन जाएगी कॉस एक्स, हाँ या ना, माइनस, और इधर आएगी तो क्या आएगी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये चीज़ समझ गए। और होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, नीचे भी ऐसे आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन क्या आएगा बच्चों कॉस एक्स, समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ से क्या आएगा 10 इनवर्स, जल्दी से आप हो गया काम, इससे ये कैंसिल क्या आया 1 - साइन अपॉन कॉस क्या आएगा बच्चों 10x/1, ये क्या है कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 1 + 10x, बोला था ना करेक्ट, एक मिनट बाद वो चीज़ आने वाली है। तो 10 इनवर्स 1 - 10x / 1 + 10x, जिसको पता है वो सीधा यूज़ कर देगा क्या 10π/4 - x, हाँ या ना, और इससे ये चीज़ हट जाती है, काटते नहीं है, मैं काट देता हूँ आप मत काटना कभी, ये सिखाते हैं कि इसको काटते नहीं है, ये हमेशा ऐसे लिखते हैं, और सीधा क्या लिख देते हैं इसको लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा π/4 - x, हाँ या ना, क्या आ जाएगा आंसर π/4 - x, चेक कर लो आंसर सही होगा, यार गर्दन में बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर करते हैं 9th वाला, 9th वाला क्वेश्चन करेंगे, 9th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसी में, अगर यहाँ पर ये माइनस की जगह, देखो हमारा काम सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन भी समझाना है, अभी एक नया क्वेश्चन बन गया, तो अगर ये वाला क्वेश्चन होगा तो देखो इधर प्लस आएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और इधर प्लस आएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो ऊपर प्लस आएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो इधर प्लस आ जाएगा, अरे ये प्लस कैसे कर दिया, क्योंकि इस बार क्या यूज़ हो जाएगा ये वाला, तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा ये वाला, तो ये चीज़ समझ गए, ये जीनियस के भी ऊपर वाली बात हो जाएगी। अब समझ गए हो तो बताना कि अब क्वेश्चन अगर ये होता आपके सामने तो आंसर क्या आता आपका ये, ठीक है, ये बीच वाले स्टेप भले ही मत समझो पर ये आंसर आ जाता। हटा दो बच्चों, हटा दो, चलिए बच्चों अब बस लास्ट चीज़ समझनी है, देखो बस लास्ट है, ठीक है, मतलब कुछ बुरा बुरा मत बोलना यार मेरे बारे में, बहुत मुश्किल से समझा पा रहा हूँ कि सर पढ़ाते जा रहे हो चीज़ें, पढ़ाते जा रहे हो दिमाग ख़राब कर रहे हो, बस लास्ट है। देखो लास्ट क्या है, ये वाला याद है आपको, ये इतनी देर से मैंने इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि इसके पीछे बात थी, क्या बात थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाली बात होती है तो बच्चों एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा यूज़ करते हैं, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस वन वाली बात होती है तो एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा करते हैं, है ना, 1 - x² होती है तो ये सर बोर क्यों कर रहे हैं, सब पता ही है हमें, तो पता है ना, तो अब ये देख लो जरा, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाए बच्चों ए स्क्वायर, ये क्या कर दिया भैया, ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी, टेंशन मत लेना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, आप समझ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाए ए स्क्वायर, तो बस हर फॉर्मूले में जब भी बस वन की जगह ए स्क्वायर, वन की जगह ए स्क्वायर, दोबारा से नए फॉर्मूले आपको नया लिखना है, न्यू करके लिखना है दोबारा, ए स्क्वायर आ जाए, वन की जगह क्या आ जाए ए स्क्वायर, तो आपको हर जगह एक्स की जगह टेन थीटा कॉट थीटा की जगह, अब आपको यहाँ टेन थीटा में क्या लिख देना है ए टेन थीटा, समझ रहे हो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों अब ए टेन थीटा, तब आप क्या पुट करेंगे ए टेन थीटा, क्यों करेंगे समझ जाना, और यहाँ क्या करेंगे ए कॉट थीटा, या तो टेन थीटा या कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका ए
साइन थीटा और क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। बड़ा जुलूम सा कर देते हैं ना, जुलूम कहते हैं, जुलूम कहते हैं, क्या कहते हैं, कर देते हैं ना ये लोग इतना कुछ करवाने के लिए। पर समझ आओ यार, इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए टेन थीटा ए कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका ए सेक थीटा। बस वन की जगह क्या हो जाएगा, वन की जगह क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, समझ गए या नहीं। और ये वन के लिए भी सही है क्योंकि अगर यहाँ वन का स्क्वायर वन ही होता तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर में ए कर देना है और बी वाले में क्या कर देना है बी कर देना है, ठीक है। अगर यह मतलब यहाँ अगर बी स्क्वायर आ जाए तो यहाँ क्या कर दोगे आप बी टेन थीटा, सी स्क्वायर आ जाए तो क्या कर दोगे आप सी टेन थीटा, मतलब जो भी चीज़ आएगी वो वन के लिए मैंने समझा ही चुका हूँ कि अगर यह वन होता था ए की जगह वन है तो वन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों वन ही होता है, तो एक्स इक्वल्स टू वन टेन थीटा हो जाता है, समझ गए ना, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर वन है वन स्क्वायर है तो टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा ही होता है, वन इंटू कॉट थीटा ही होता है, लेकिन अगर ए है तो आपको ऐसा कर देना है। अब सीधे समझ में आ जाएगी ये कौन से क्वेश्चन नंबर नाइन्थ से, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ से। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। देखो मैं मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ और इस थोड़े बहुत के एक्सपीरियंस से मैं इतना जान सकता हूँ कि पूरी मैथ्स में ये जो पाँच छः क्वेश्चन है ना ये टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, और अगर आपने ये सब पुराने वाले समझ लिए तो मान लो यार आप मुझसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट हो, मतलब बहुत जीनियस हो आप, तो अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील करना कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जो आपने इतने क्वेश्चन इतनी आसानी से सीख लिए, ठीक है, क्योंकि वाकई में टफेस्ट क्वेश्चन है यार, दिखते हैं। चलो अब क्या है बच्चों, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं, तो एक्स की जगह हमें कुछ पुट करना है जिससे ये हो जाए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो क्या मैं अब आपका ये डाउट क्लियर करूँ कि साइन थीटा करें या कॉस थीटा करें। देखो अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो सीधा टेन बन जाएगा, हाँ या ना, ऊपर साइन आएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा टेन आ जाएगा, लेकिन अगर आप कॉस थीटा पुट करते हो तो कॉट बन जाएगा, तो परेशानी आएगी। तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये चीज समझे या नहीं, ताकि इससे क्या हो जाएगा ऊपर क्या बन जाएगा ए साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ कर लो लेट एक्स इक्वल्स टू या पुट एक्स इक्वल्स टू, अब नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये तो करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप ए साइन थीटा, तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बच्चों, बद्दी से बता दो, टेन इनवर्स ऊपर क्या है ए साइन थीटा, कोई परेशानी नहीं है। अंदर बच्चों देखो जरा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, सर चिल्ला क्यों रहे हो, सॉरी बेटा, तो ये क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, हाँ या ना, अपॉन दे देखो अब क्या है ये चीज़ देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पर कुछ लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी पता है, ये साइन स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो जल्दी से टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो स्क्वायर से रूट तो ए कॉस थीटा, ए से ए साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों जल्दी बता दो मुझे, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन गया क्या बचा थीटा, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, जल्दी से इधर देखो एक्स बराबर क्या है बच्चों ए साइन थीटा, तो इसको पहले यहाँ लेके आओ तो एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब लेके आओ इसको इधर तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स में एक्स अपॉन ए बराबर क्या आएगा बच्चों थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अपना क्या हो गया आंसर, समझ गए बात या नहीं, इजी सी चीज़ है, कोई परेशानी नहीं होगी, चेक कर लो जरा आंसर, हटा देते हैं लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्यों कह रहे हो सर, बाकी एक्सरसाइज कौन करेगा, हम ही करेंगे लेकिन दूसरे वाले पार्ट में, क्योंकि ये कैमरा कह रहा है कि मेरी मेमोरी फुल होने वाली है, मुझे बख्श दो, कोई बात नहीं बख्श देंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में डालेंगे, लेकिन चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टेन इनवर्स थर्ड वाला कर लो, एक कौन सा है भाई भूल गए, टेंथ वाला, टेन इनवर्स क्या है थ्री ए, थ्री ए स्क्वायर एक्स क्या है, थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस सॉरी ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अब बच्चों सॉरी क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि एक लास्ट फॉर्मूला रटाना है आपको या सिखाना है आपको, जो भी है लास्ट फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि भाई टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा
अरे इधर नहीं लिखा जा रहा, इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बड़े में लिख देते हैं ऐसे में। देखो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी बच्चों, यहाँ मैं सॉरी भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, पर ये भी आपको याद करना है और ये काम के फॉर्मूले हैं। क्योंकि आपने देखो साइन थ्री थीटा वाला सबसे पहले सीखा था, कॉस थ्री थीटा वाला सीख ही लिया था, तो लास्ट कौन सा बचा? यही तो बचा टेन थ्री थीटा का स्क्वायर, सीख लो यार, कोई परेशानी थोड़ी है कि थ्री थीटा होगा तो थ्री टेन थीटा और फिर टेन के ऊपर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, फिर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये सीख लेते हो सही काम पूरा हो जाएगा। यहाँ लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। ये अगर किसी को पता करना हो ना कहाँ से आया है फॉर्मूला, प्रूविंग रूविंग में अगर किसी का मन हो तो प्रूविंग बता दे रहा हूँ। देखो इसको आप टेन टू थीटा प्लस थीटा से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ आपके ऊपर है क्योंकि मैं यहाँ प्रूव नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये इलेवंथ की बात है, ये इलेवंथ का फॉर्मूला है, हटा दो इसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे, अगर मुझे ऐसा फॉर्मूला कुछ बनाना है तो मैं यहाँ सीधे से जल्दी से बता देता हूँ आपको कि भाई एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट कर लो फटाफट से। तो एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट कर दो, तो टेन थीटा थ्री ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा, हाँ या ना बच्चों बताओ। और एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, हाँ या ना, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्यूब माइनस यहाँ क्या आएगा थ्री ए, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, टेन इनवर्स। अब ये क्या है थ्री, देखो इसको यहीं कर दे रहा हूँ, क्या ही है ये, तो ए क्यूब हो जाएगा ना ए स्क्वायर, और ये देखो इसमें भी पूरे में और इसमें भी पूरे में ए क्यूब कॉमन आ रहा है, बाहर कर दो तो अंदर क्या बचा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन नीचे भी, अरे नौ ना, मैं यहाँ भी तो ए का ए स्क्वायर कर दो इसे क्यूब, तो यहाँ और यहाँ क्या आ रहा है ए क्यूब कॉमन, यहाँ क्या आएगा वन माइनस क्या बचेगा थ्री, और यहाँ ए क्यूब निकल गया तो क्या बचा थ्री टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, टेन इनवर्स ए क्यूब से ए क्यूब बढ़ा दो थ्री टेन थीटा टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा टेन थ्री थीटा, बेटा हो गया हो गया हो गया हो गया खत्म। अरे नहीं काटेंगे, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, खुद को समझा रहा हूँ, सॉरी बेटा, किसको, खुद को। तो ये चीज़ आएगी तो क्या बचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ थ्री थीटा, है ना। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी कैसे, एक्स अपॉन ए बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बचेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा, तो थ्री और थीटा की जगह क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, और क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए, हैंस प्रूफ बेटा। समझ गए या नहीं बच्चों, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो मैंने एक ट्रिक बनाई है बहुत बढ़िया वाली ट्रिक, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 21 22 जो भी हैं और मिसलेनियस के क्वेश्चन, तो उस पार्ट को ज़रूर देखना बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ पढ़े, क्योंकि आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो अपने देश का नाम रोशन करोगे ना बेटा, ठीक है। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, खुश रहना, लव यू ढेर सारा। और एक शेयर वाली चीज़ कर देना, ऐसे करके एक शेयर वाला काम कर देना अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी जीनियस बन सकें और सब लोग देश का बिल्कुल नाम रोशन कर सकें, ठीक है। लव यू बच्चों, बाय बाय।